24 का चुनाव मैडम एक तरफा, इंडिया अलायंस के लिए जनता ने हुंकार भर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भीगी बिल्ली की तरफ मतलब बिल्ली मारे डर के, शेर से डर के बिल्ली भागती है मैडम तुम दबा के। तो अभी मोदी जी तुम दबा के भाग रहे हैं और कुछ नेताओं को जेल में, लेकिन मोदी जी का शेर बताया जाता है ना, शेर है मतलब कि बनावटी जंगल का शेर और सर्कस का शेर दोनों में फर्क होता है। जंगल का शेर अपने मन से दहाड़ता है और जो सर्कस का शेर होता है मदारी होता है, मदारी भैया उसको अपने इसमें बांध के रखता है। नच नच बंदर नच नच शेर नच नच शेर नच। अडानी और अंबानी के इशारों पर मैडम, अडानी और अंबानी जी मदारी हैं और उस सर्कस का शेर है नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है। नोटबंदी की जाए जी हुजूर, केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए जी हुजूर, इलेक्ट्रोल बोर्ड का 7,000 रुपए आया है जी हुजूर, अब इसका क्या किया जाए, थैला उठा के भागा जाए जी हुजूर। इसके बाद में तो यही होगा, भ्रष्टाचार खत्म किया, सारे भ्रष्टाचारी को उठा के जेल में डाल दे। देखिए भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दे, जेल में तो कंस भी डालता था, बीजेपी में डाल रहे हैं सबको, जेल में तो कंस भी डालता था, जिससे डरता था उसको जेल में डाल देते। आज का लोग क्या करता है, जिससे डरता है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो या केजरीवाल जी हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, ईडी और सीबीआई को जिस प्रकार से भेजा जा रहा है। केजरीवाल क्या है, डिग्री मांगता था भैया, अरे डिग्री मांगता था मैडम, कितना का घोटाला हुआ है, कितने का घोटाला हुआ है, कितना का घोटाला हुआ है, आप बताइए, आप कह रहे हैं हमने तो कहा ही नहीं है घोटाला हुआ है। यही बात है, देखिए भाजपा वालों कितने का घोटाला हुआ है बताओ, कितने का घोटाला हुआ, घोटाला कितने का हुआ, शराब घोटाले में पता नहीं कौन कौन से घोटाले में उनका नाम लिया जा रहा है, शराब घोटाले में कितने का घोटाला हुआ है, 10 रुपए का 20 रुपए का 50 रुपए का 1,000 रुपए का कितने का हुआ, एक धंधा बना रखा है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, अरे भैया गरीब माँ के बेटे हो तो 8,500 करोड़ रुपए की हवाई जहाज कहाँ से आ गई, 10 लाख की मर्सिडीज कहाँ से आ गई, 10 लाख गरीब माँ का बेटा है प्रधानमंत्री बाद में, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट कहाँ से आ गया, 1 करोड़ रुपए की पेन कहाँ से आ गई, बताइए मैडम। भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज वो है ये केजरीवाल है, बताइए वो तो फिलहाल केजरीवाल कितने का, कितने का भ्रष्टाचार किया वो बताइए, कितने का भ्रष्टाचार कि बीजेपी वाले उस बेचारे को धोखा दिया गया है, केजरीवाल मोदी जी की डिग्री पर ज्यादा सवाल है, जिसकी डिग्री फर्जी हो तो फर्जी में जेल में डालेगा ना, कौन सा मोदी जी, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ए भैया ये कह रही है हम क्यों देंगे, अरे जब ही बेवकूफ सुनिए भाई, जब ही वोट नहीं देंगे तो आप लोग भी मत दीजिएगा, आज अनुराग ओझा खुला बोलता है नहीं देंगे, अरविंद को वोट दे दीजिएगा, बिलार को वोट दे दीजिएगा, लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैडम भी नहीं बता रहे मोदी जी को अपना, कौन बता रहे हैं, गरीब का मसीहा तो केजरीवाल है, जो बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, स्वास्थ्य फ्री दे रहा है, मोहल्ला क्लिनिक दे रहा है, हमने केजरीवाल के स्कूल में पढ़ा है मैडम, 12वीं तक अनुराग ओझा ने दिल्ली में ही पढ़ा है, और अनुराग ओझा को अच्छी शिक्षा मिली, तो भैया अनुराग ओझा तो साथ में मोदी जी ने 5 किलो राशन दे रहे, देखिए राम मंदिर का 5 किलो राशन पे इतना गुमान है मैडम, शादी हुई है नहीं हुई है, नहीं हुई है, अगर आप बताइए मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, अपनी पत्नी को काहे नहीं दे रहे, गारंटी पे आपने बात की, गारंटी तो मोदी जी ने यशोदा बहन का भी लिया था, मोदी जी ने गारंटी लिया था, ब्राह्मण है हिंदू आप भी हिंदू, जब शादी होगा तो 7 फेरा दुल्हा लेगा, एक अग्नि को साक्षी मानकर भाई पीछे हो जाएगा तक आपके साथ रहेंगे। अब आप बताइए मोदी जी ने भी यही किया, मोदी जी यशोदा बहन के नहीं हुए तो आपके हमारे सगे होने वाले हैं मैडम, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोला तो नहीं, बोला तो नहीं, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया ना, बोला था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था, और आप बिहार से आते हैं दरभंगा में बताते हैं बनाएंगे, बनाया है क्या, नहीं होता है, हाँ बताइए, हाँ बताएंगे,
अच्छा पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल हमरा गोझा से मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकते पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते तो बताइए कि 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया गया 15 लाख तो कम से कम आपके खाते में आया होगा आया है हाँ मैडम देखिए गर्मी से पसीना आ रहा है पसीना भिगो भिगो के नोट गिनने का हम लोग काम करना चाहते थे लेकिन मोदी जी ने दिया मोदी जी ने कहा था भाई गिलास में पानी आ गया किसी के पास तो पैसा ऐसा है भाई भिगो भिगो के गिनना है लेकिन नोट गिनने के लिए गद्दी गिनने के लिए पानी की आवश्यकता होती है अब भैया ऐसा दिन आ गया कि पानी भी खाली गिलास का पानी पीना पड़ता है नोट आया मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया और उनसे भी बड़ा आदमी ये देखिए भाई ये 15 लाख रुपया दिया था मोदी जी ने ऐसा खर्चा हो गया 20 रुपया अब आप बताइए 20 रुपया में आटा भी नहीं आता 1 किलो तेल भी नहीं आएगा 250 ग्राम आलू भी नहीं आता 1 किलो पकौड़ा आएगा इतना महंगाई कर दिया है इतना महंगाई कर दिया है कि जनता त्राहिमाम 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 और जनता के पास 19 अप्रैल तक समय है जनता ऐसे मोदी जी को पिएगी चार जून को ऐसे भाई साइड में हो विपक्ष में कोई योग्य चेहरा नहीं है उनके अरे मैडम एक चीज बताइए लोग इतना लोग है कि कौन बोल रहा है तेजस्वी बाबू 17 महीने में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये आदमी कौन है केजरीवाल जी गए तो साइड में हट जा बाबले देश इतने छोड़ दिया देश इतने कह रहा झूठे बता रहा कि मेरा रूप छोड़ा है लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं कि पास में सरकारी नौकरी थी सुनिए राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंडिया लाइन कितने पढ़े लिखे सरपंच अरे हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है मोदी जी की डिग्री बता दीजिए कौन सी काबिलियत है उनके पास झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो और बड़ा झूठ हिटलर ने एक बात बोला था कि जनता के सामने और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ तो मोदी जी बहुत बड़ा बड़ा झूठ और जनता उसे सच समझ रही है पूरी हो गई है होंगी मतलब भविष्य का अब एक चीज बताइए जो भूतकाल में और वर्तमान काल में न कर पाया हो वो भविष्य काल में खाक करेगा जिसने कहा कल दिन गया टल जिसने कहा परसों बीत गए बरसों और जिसने कहा आज उसी ने किया राज तो राहुल जी और इंडिया एयरलाइंस का पूरा लोग कह रहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसी दिन से तमाम सरकारी जितने भी पद खाली हैं सबको भर दिया जाएगा महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा किसानों का आय को दोगुना कर दिया जाएगा शिक्षा बेहतर कर दी जाएगी स्वास्थ्य बेहतर कर दिया जाएगा तो इससे बेहतर है कि कमल को भूलकर इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनाएं और देश से महंगाई बेरोजगारी को भगाएं और दलाल पत्रकारों को आप लोग ना सुने टीवी के अगर आप शौकीन हैं तो टीवी देखना बंद कर दें एक चीज बताइए कि दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज होते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों पर रहते हैं जो डरपोक जो मर्द थे जंग में थे और जो नामर्द थे वो वहां गए तो मैडम कहने का मतलब साफ तो डरता था किसी को ईडी से डर लगता है अब भैया मैं एक चीज आपको और बता दूं सुनो कान खोल कर सुनो जिस दिन अनुराग ओझा बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे लिखने लगे तो समझ जाओ अनुराग ओझा को ईडी और सीबीआई का संबंध आ गया है या तो अनुराग ओझा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो जो डर गए हैं वो तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे अनुराग ओझा कल भी बोलता था आज भी बोलता है और कल भी बोलता रहेगा क्योंकि मैडम किसी ने कहा है कि तलवारों के सहारे पर इतिहास हमारा बनता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है तो तमाम यंग नेता इंडिया अलायंस में है और तमाम यूथ हमारे साथ में खड़ा है मेरा यूथ सबसे मजबूत बिल्कुल कहाँ टूटता है कहाँ टूटता आपको मोदी चाहिए रोजगार चाहिए मोदी चाहिए रोजगार चाहिए ए भाई आपको मोदी चाहिए रोजगार चाहिए
महंगाई कम होनी चाहिए या मोदी चाहिए? महंगाई कम। देश में शिक्षा बेहतर होनी चाहिए या मोदी चाहिए? शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। मैडम इनको हमने पढ़ाया है कुछ? भैया हाथ पीछे कर लो। बोलिए थोड़ा पीड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं और जुमले के माध्यम से 5 किलो राशन देते हैं, जो फ्री की वो भाजपा के गुड़गाते हैं। और देश का जनता ना फ्री की खाती है ना मोदी की गुड़गाती है, देश की जनता मोदी की गुड़गा रही है। आप तो मोदी के गुड़ नहीं गा रहे, पूरा गोझा नहीं गा रहा। यहाँ पे इतना लोग है, भीड़ नहीं, वो भी नहीं गा रहा। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को मोदी जी, क्योंकि कमल के फूल भी मर जाने लगे। सूर्य नारायण बाबा से, जिसे हम सूरज देवता कहते हैं, इनसे अगर आप निगाह मिला लेंगे 5 मिनट तो कमल मुरझाएगा नहीं, और अगर आप नहीं मिलाते हैं तो इसका मतलब साफ है कमल मुरझाएगा। मिलाइए ना, जब मिलाइए कोई नहीं मिला सके। तो ठीक उसी प्रकार इंडिया अलायंस, जिससे भाजपा के लोग नजर नहीं मिला सके। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, और 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर से सुधारों की बात करते हैं। ये बेशर्म लोग हैं मैडम, और बेशर्मों को देश की जनता आपकी बात नकार दी। 70 सालों में तो कुछ कर नहीं पाए। आप कितना पढ़ी है? जर्नलिज्म जहाँ से किया है वो भी कांग्रेस ने बनाया, जहाँ पे आज खड़ी है ये भी कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने जहाँ से इंटायर पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी का जो डिग्री इनके पास है वो भी कांग्रेस का ही देन है। जैसा का पापा जहाँ से पढ़ा है वो भी कांग्रेस का देन है। और एक चीज आपको बताएं, अमित शाह का बेटवा बीसीसीआई का जो चेयरमैन बना है वो भी कांग्रेस का देन है। तो मैडम इन्होंने बनाया और इन्होंने बेचने का काम किया। एक चीज बताएं, कोई निकम्मा आदमी होता है जो घर का सोफा बेच देता है, टीवी भी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, मेहरारू का जेवर बेच देता है, तो वर्तमान सरकार देश की तमाम संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। अच्छा आखिरी सवाल लूंगी आपसे, 24 में फिर किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? इंडिया।